दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना जो है फास्टैग रिचार्ज कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन पे से। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में फ़ोन पे को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहां पर थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर कुछ ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलेंगे रिचार्ज एंड पे बिल्स के। तो आपको यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अपना फास्टैग रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फास्टैग रिचार्ज का। तो आपको यहाँ पर फास्टैग रिचार्ज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फास्टैग रिचार्ज पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह से आ जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर सभी बैंकों के जो है नाम देखने के लिए यहाँ पर आपको जो है शो हो जाएंगे। आपका फास्टैग जिस भी बैंक का हो, आप उसे यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ IDFC, तो आपका जो भी बैंक हो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हीकल नंबर का, तो आपको यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर फिल कर देना है। अपना व्हीकल नंबर फिल कर देने के बाद आपके यहाँ पर एक कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपके यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है और व्हीकल डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना जो है व्हीकल का जो भी ओनर है उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपके फास्टैग रिचार्ज में पहले से ही कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो आपके यहाँ पर देखने को शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी 80 रुपया देखने को शो हो रहा है, यानी कि 80 रुपये का रिचार्ज अभी इसमें ऑलरेडी डला हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, फास्टैग रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना जो है अमाउंट डाल सकते हैं। जितने भी अमाउंट का आप फास्टैग रिचार्ज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ 5 रुपीज़। तो आप यहां पर देख सकते हैं अमाउंट अलाउड बिटवीन 10 एंड 1 लाख। आप यहां से 10 रुपये से कम रुपए का जो है फास्टैग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर आप जितने भी रुपए का फास्टैग रिचार्ज करना चाहते हैं आपको यहां पर जो है अमाउंट फिल कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं, आपके फ़ोन पे से जितने भी आपके जो है बैंक अकाउंट ऐड होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को शो हो जाएंगे। यदि आपने अपने फ़ोन पे में 2 बैंक ऐड किए होंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 बैंक ही देखेंगे। यदि आपने 3 बैंक ऐड कर रखे होंगे तो आपको 3 बैंक देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह मैंने अपने फ़ोन पे से यहाँ पर जो है अपने 4 बैंकों को जो है ऐड करके रखा है, तो यहाँ पर देखने को शो हो रहे हैं। आप अपने जिस भी बैंक से फास्टैग रिचार्ज का पेमेंट जो है कटवाना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं, उस बैंक को आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके यहाँ पर पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करने के बाद आपसे अपना UPI पिन जो है पूछा जाएगा, जो भी आपने अपने 4 अंक का जो है पिन बनाया होगा पेमेंट करने से पहले जो पूछा जाता है वो पिन आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो है फास्टैग रिचार्ज का पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने फास्टैग रिचार्ज को जो है कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।